बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगी रोक को चुनौती। बैन मामले पर अब होगी सुप्रीम सुनवाई। किसने दी चुनौती, क्या है पूरा मामला? बीबीसी के 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से ये याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा। वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर करते हुए कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 फरवरी को सुनवाई होगी। इस याचिका में साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों और उसके पहले और बाद की बनी परिस्थितियों पर बीबीसी की बनाई दो भागों वाली इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए उस फैसले को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी गुहार लगाई है कि बीबीसी की बनाई डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट्स को कोर्ट में मंगवाकर उसके तथ्यों की जांच की जाए, इसके बाद कोर्ट गुजरात दंगों के दोषियों को सजा दें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के ट्वीट और यूट्यूब लिंक वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। ट्विटर और यूट्यूब से ये वीडियो लिंक हटा दिए गए थे। ट्विटर को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक किया था। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बीबीसी की सीरीज को झूठे नैरेटिव और प्रोपेगेंडे का हिस्सा मात्र बताया था। बता दें कि बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से दो पार्ट में एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है। ये सीरीज गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर आधारित है। तब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मंत्रालय ने कहा कि बीबीसी ने इसे भारत में उपलब्ध नहीं कराया, कुछ यूट्यूब चैनल ने इसे अपलोड किया। ऐसा लगता है कि भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इसे अपलोड किया गया है। सूचना और प्रसारण सचिव ने आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए कथित तौर पर निर्देश जारी करने का फैसला लिया था। यूके के नेशनल ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला बोलते हुए दो भाग की सीरीज प्रसारित की थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई थी और कई प्लेटफॉर्म पर भी बैन लगा दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।